नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में। मनीष जायसवाल इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। मेरे पीछे एक रेल के डब्बों की एक ट्रेन की बोगियाँ जैसी दिखाई दे रही हैं और ये बोगियाँ कहीं ना कहीं एक्सप्रेस या ट्रेनों को प्रदर्शित करती है। ठीक ऐसे ही प्रदेश में इस वक्त शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। इस पदोन्नति की प्रक्रिया में फिलहाल अभी उच्च वर्ग के शिक्षक छूट जा रहे हैं। जो वर्ग दो के शिक्षक हैं, मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं, वो छूट जा रहे हैं। इनकी पदोन्नति को लेकर अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं हुई है। ये पदोन्नति राज्य स्तर पर होनी है। शिक्षक व्याख्याता बनने की ओर राह देख रहे हैं कि कब लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी होगा, कब उनकी वरिष्ठता सूची बनेगी, कब उनकी काउंसलिंग डेट आएगी और कब वो व्याख्याता बन पाएंगे। वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत जो छूट मिली है वो शिक्षकों को भी मिली है। उच्च वर्ग के शिक्षक हैं वो व्याख्याता बन सकते थे इस रिलैक्सेशन के तहत, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो चली है। उन शिक्षकों में भारी रोष है कि उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनको इस योजना में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, उनके लिए कोई DPC क्यों नहीं बनाई जा रही, उनके लिए वरिष्ठता सूची क्यों नहीं बनाई जा रही। काफ़ी संशय में है, काफ़ी चिंतित हैं कि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो उच्च वर्ग के शिक्षक हैं उनकी पदोन्नति व्याख्याता के पद पर होनी और व्याख्याता का नियुक्ता DPI है और DPI इस विषय पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है, जिससे इन शिक्षकों में भारी रोष है कि इनकी नियुक्ति कब होगी। क्योंकि शिक्षक अगर व्याख्याता बनेंगे तो उनको उस पद का लाभ मिलेगा, उच्च पद का वेतन मिलेगा और जो काफ़ी लंबे समय से मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे थे वो अब हाई स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे और इससे कहीं ना कहीं उनको भी लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा जो शिक्षक एक ही पद में कई सालों से पढ़ा रहे थे वे भी अब उच्च पद की ओर जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अनुभव का लाभ अब उच्च वर्ग के शिक्षकों को मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो ये चाहते हैं कि अब उच्च वर्ग में जाए। इसके अलावा ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो राज्य स्तर पर होगी, इसमें जो प्रशासनिक सर्जरी होगी राज्य स्तर पर होगी, लोगों को अवसर मिलेगा अपने जिलों में जाने का, अपने गृह क्षेत्र में जाने का, क्योंकि प्रक्रिया राज्य स्तर पर होनी है। सरगुजा का शिक्षक अगर कोई बस्तर में सेवा दे रहा है तो उस शिक्षक को बस्तर से सरगुजा जाने का मौका मिलेगा, कोई कवर्धा में दे रहा है तो उसको रायपुर आने का अवसर मिल सकता है, इससे शिक्षकों को फायदा ही होगा। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं, राज्य स्तर पर शिक्षक हैं जो सीनियरिटी में अभी काफ़ी नज़दीक हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा इससे पहले जो पदोन्नतियाँ हुई थी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर, वो पहले संविलियन के पूर्व जिला पंचायत स्तर पर हुई थी, लेकिन अब एक अवसर है उन शिक्षकों के लिए कि इस पदोन्नति की एक्सप्रेस में चढ़कर वे कहीं न कहीं अपने मन मुताबिक मन चाहे जिले में जा भी सकते हैं। इसलिए ये जो उच्च वर्ग के शिक्षक हैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका भी पदोन्नति सूची जारी हो, ये भी पदोन्नति एक्सप्रेस में बैठे और अपने घर की ओर जा सके। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।